नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। JJMB का सब जोनल कमांडर भवानी उर्फ भागीरथ भुइया ने पलामू पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। DIG राजकुमार लकड़ा और SP चंदन सिन्हा की मौजूदगी में भवानी ने सांस इंसास राइफल के साथ सरेंडर कर दिया। भवानी साल 2016 के JJMP उग्रवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। इस दौरान उसने किसी भी बड़ी घटना में शामिल रहने से इनकार किया है। भवानी ने बताया कि उसने इंसास राइफल के साथ में भारी मात्रा में गोली और ग्रेनेड भी पुलिस को सौंपा है। उसे उम्मीद है कि सरकार उसे और उसके परिवार को खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सहयोग करेगी। पलामू में रामगढ़ के जंगलों में राम सुंदर राम और महेश भुइया के मारे जाने के बाद भवानी को संगठन की तरफ से पलामू और गढ़वा जिले में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। भवानी ने बताया कि वह नक्सली अपराध में 2 साल जेल भी गया है, जिसके बाद से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। संगठन की ओर से किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं दिए जाने के बाद भवानी ने आत्मसमर्पण का रास्ता चुना। पलामू प्रखंड के DIG ने कहा कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति पूरे देश में सबसे बेहतर है। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति में पुनर्वास के साथ साथ रोजगार के लिए कौशल विकास, बच्चों की शिक्षा जैसी कई सुविधाएं शामिल है। पुलिस प्रशासन की ओर से भिवानी को फिलहाल 1,00,000 रुपए का चेक दिया गया। इसके साथ ही उपायुक्त के सहयोग से पुनर्वास के लिए जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।